नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एम्बर हर्ड के रिगार्डिंग, जो कि है एक्वामैन 2 से रिलेटेड। और वो खबर यह है कि उनको एक्वामैन 2 से रिप्लेस किया जा रहा है, और ऐसी खबरें आ रही है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि काफी सारी आपने देखा होगा पहले भी खबरें आई थी जिसमें कि एक पिटीशन साइन हुई थी और जिसमें 5 मिलियन से भी ज्यादा पिटीशन साइन हुई थी, मतलब जॉनी डेप के फैंस द्वारा, जिसमें कि एम्बर हर्ड को रिमूव करने की बात की जा रही थी एक्वामैन 2 सीरीज से। और आपको बताएं कि एक्वामैन 2 जो मूवी है वॉर्नर ब्रदर द्वारा डायरेक्टेड, तो वो हमेशा ऐसा डिसीजन लेते हैं जो लोगों के लिए हो, क्योंकि अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी की काफी सारी फैन फॉलोइंग है, उसी बीच अगर ये डिसीजन लेना तो ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि एक फीमेल लीड है वो उसमें, क्योंकि जैसन मोआ के साथ उनका मतलब लीड में रोल है जिसका नाम है एम्बर हर्ड का, अगर मेन उनकी रानी बनते हैं, अगर वो समुद्र के राजा हैं तो उनकी रानी बनी थी उस मूवी में वो। और आपको ये भी बताऊं कि काफी ज्यादा जो है बढ़िया इन दोनों का मतलब हमें रोल देखने को मिला था एक्वामैन पहले पार्ट में, बट वॉर्नर ब्रदर्स ने ये कहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जैसे कि उनकी केमिस्ट्री जो है जैसन मोआ के साथ हमें अच्छी नहीं लग रही, तो इसलिए लैक ऑफ केमिस्ट्री की वजह से हम उनको इस मूवी से रिप्लेस कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि काफी सारे जो उनका केस भी चल रहा है कोर्ट ऑफ वर्जीनिया यूएस न्यूयॉर्क में, तो वहां पे भी वो ये कह रहे हैं कि वहां के कोर्ट की वजह से उनके ऊपर जो डेफेमेशन डोमेस्टिक वायलेंस का उन्होंने केस लगाया, अभी तक उस पर कोई जो है परिणाम नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने अभी तक जो है इस चीज को रद्द करने की कोशिश की है कि उनको इस मूवी से हटा दें, क्योंकि इस वजह से उनके पार्ट को या उनकी मूवी को नुकसान काफी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर फैंस ही मूवी नहीं देखेंगे, मूवी को पसंद ही नहीं करेंगे, तो फिर मूवी बनाने का क्या फायदा, ऐसा कुछ कहना है वॉर्नर ब्रदर का। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं जब तक वो सच साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, हम उनको अपनी फिल्म में नहीं लेंगे। और अभी तक तो ये जानकारी, अब देखते हैं नया जो है रिप्लेसमेंट कौन होता है एम्बर हर्ड के रिगार्डिंग, और जैसन मोआ के साथ कौन जो है समुद्र की रानी बन पाती है, और कितना जो है अच्छा केमिस्ट्री उनके साथ बॉन्ड कर पाती है, अब देखते हैं वॉर्नर ब्रदर्स का आगे क्या डिसीजन रहता है। बट आपका क्या कहना है इस चीज में हमें जरूर बताएं, और अगर आप भी सपोर्ट करते हैं वॉर्नर ब्रदर्स का ये डिसीजन तो ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।